क्योंकि 2014 में ये निर्णय लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा और जो बिहार से बाहर जाकर के स्ट्रगल करते हैं वो अपने बिहार में स्ट्रगल करेंगे। हो भी रहा है लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। देरी कहाँ से हो रही है विनय जी? अब ये सवाल आप नीतीश कुमार जी से पूछें, कला संस्कृति मंत्री जी से पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं सच को सच और झूठ को झूठ भी बोलने की हिम्मत रखता हूँ और बोलते रहता हूँ। देखिए मुख्यमंत्री जी से नाराजगी के बाद मैं आपके शब्दों में नहीं कह सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से उसके निर्माण कार्य चल रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं, क्योंकि 2014 में ये निर्णय लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा और जो बिहार से बाहर जाकर के स्ट्रगल करते हैं वो अपने बिहार में स्ट्रगल करेंगे, बिहार में काम करेंगे, उनका बंबई का खर्चा बचेगा और कलाकारों को रोजगार मिलेगा। उस हिसाब से स्टूडियो का निर्माण होना चाहिए था, हो भी रहा है लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। देरी कहाँ से हो रही है विनय जी? अब ये सवाल आप नीतीश कुमार जी से पूछें, कला संस्कृति मंत्री जी से पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिल्म मुझे लगता है कि कम से कम 30 से 35 जगह एक साथ रिलीज हो रही और ये 5 अगस्त को रिलीज होगी। 5 अगस्त को सभी सिनेमा घरों में आ जाएगी। वैसे सिनेमा घरों की संख्या के बारे में आप लोगों को भी मालूम है कि सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में इतनी गड़बड़ी है कि तमाम एग्जीबिटर जो है, जो सिनेमा का मालिक हैं, अपना सिनेमा हॉल तोड़वा करके कोई गोदाम बना लिया, कोई मॉल बना लिया और इस तरह से जहां भोजपुरी एक साथ 300 सेंटरों में रिलीज होती थी, अब भोजपुरी का ये हाल है कि 30 35 40 सेंटर बहुत है, क्योंकि अब थिएटर ही नहीं। सरकार को मानते हैं? सरकार ने कभी भी एग्जीबिटरों के साथ बैठ करके बातें नहीं की उनको। मैं सरकार को दोषी मानता हूँ। सरकार स्वयं को क्यों दोषी मानेंगे? हम कोई मंत्री हैं क्या? मुख्यमंत्री हैं क्या? वही सवाल क्या ना? मैं मुख्य सुनिए, मैं यहाँ एक पॉलिटिकल बॉडी की हैसियत से नहीं बैठा हूँ। मेरा इस फिल्म से रिश्ता है, मैं इस फिल्म का गीतकार हूँ, संगीतकार हूँ, संवाद लेखक हूँ। मैं कहूँगा कि जिस समय मंत्री था उस समय एक नींव पड़ी, मेरी बात सुनी गई और उस समय एक फिल्म स्टूडियो और एक इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम क्रिकेट के लिए बनाने की बात हुई और मैं वो चाहता था कि स्टेडियम बने तो मोइनुल हक स्टेडियम की जगह बने, लेकिन मेरी बात नहीं रही, राजगीर चली गई। मैं चाहता था कि वाल्मीकि नगर बने फिल्म स्टूडियो, नहीं बनी, राजगीर चली गई। मेरा उससे प्रॉब्लम नहीं है, मेरा यह प्रॉब्लम है कि 2014 से जो काम शुरू हुआ वो 2022 तक पूरा नहीं हुआ। ये जो प्रगति है, ये जो निर्माण की गति है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, चाहे मैं सरकार में विधायक हूँ चाहे आप लोग जो कहें। सभी योजना राजगीर में ही की जा रही है। अभी बात आप कला संस्कृति मंत्री से पूछ लीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए, दो दो हमारे डिप्टी सीएम साहब उनसे पूछ लीजिए, ये मैं उत्तर आपको नहीं दे सकता।